यदि किसी का दिन खराब जाता है या फिर कुछ ऐसे कार्य अधूरे रह जाते हैं तो वे व्यक्ति कहता है कि पता नहीं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया। लेकिन आपको कुछ ऐसा न कहना पड़े इसके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसी क्रम में सुबह उठने के बाद आपको कुछ ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे पूरा दिन और आपके सभी कार्य सफल हो जाएं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। इसमें सबसे पहला उपाय है प्रातः उठकर करा करे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का जप करना है। आपको प्रातः उठते ही अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है और इस श्लोक का जप करना है। इसका पौराणिक महत्व भी है और ज्योतिषी महत्व भी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इसके साथ ही इस श्लोक के जाप से सौभाग्य में वृद्धि होती है, सरस्वती माता प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। इसमें दूसरा उपाय है माता पिता का आशीर्वाद लें। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सबसे प्रथम होता है, इसलिए आपने यह सुना होगा माता पिता गुरु और देवता, यानी सबसे पहले मनुष्य के जीवन में माता होती हैं, फिर पिता, फिर गुरु और अंत में देवता। इसलिए हमारे माता पिता का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। सुबह उठने के बाद माता पिता से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसमें तीसरा है सूर्य देव के दर्शन करें। प्रातः श्लोक के बाद आपको सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को ऊर्जा का देवता माना जाता है। फिर स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उनकी किरणों को अपनी आंखों में ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य के प्रकाश में मौजूद विटामिन डी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसके साथ ही सर्दियों में सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। इसमें चौथा उपाय है भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा और उन्हें स्मरण करने से हमें उनके साथ जुड़े रहने का एहसास होता है। इसलिए आपको प्रातः भगवान की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से मन एकाग्र होता है और सकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ता है। और पांचवा उपाय है ध्यान और योग। पौराणिक काल से ही ध्यान और योग करने की परंपरा हमारे हिंदू शास्त्रों में रही है और ऐसा ही कुछ ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है। कहा जाता है कि ध्यान और योग मन और शरीर को शांत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान और योग करने से एकाग्रता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए सुबह ध्यान और योग करने से हमारा मन कार्य में लगा रहता है और शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से आप सुबह उठकर इन 5 उपायों को अपना सकते हैं। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्योतिषी से जरूर परामर्श लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।